हम लोग थ्रेडेड पार्ट पर चल रहे थे ना, थ्रेडेड पार्ट पे थ्रेड ज्वाइन थे आपका, थ्रेड ज्वाइन कर दिया था आपका। टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस हो गई थी, टर्मिनोलॉजी हो गई थी, उसके बाद फिर प्रोफाइल ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड हो गए थे, प्रोफाइल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हाँ ये हो गया था। उसके बाद फिर आपकी क्या थी, हाँ ये चल रही थी टेबल, टेबल बताया था मैंने, बेसिक डायमीटर ऑफ आइसोमेट्रिक सेट्स, आइसोमेट्रिक सेट्स कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद ये टेबल समझा दी थी मैंने आपको कि डेजिग्नेशन कैसे होता है ना, आपको डेजिग्नेशन में ये बता दिया था। तो दो तरीके का डेजिग्नेशन होता है, एक तो बेसिक डायमेंशन और दूसरा होता है बेसिक डायमेंशन आवाज है फाइन सीरीज, ठीक है। एक होती है कोर्स सीरीज, एक होती है फाइन सीरीज। तो आप कल ये फाइन सीरीज में पिच पिच भी ले लेते हैं हम लोग, और कोर्स सीरीज में पिच नहीं लेते हैं, कोर्स सीरीज में हम सिर्फ नॉमिनल डायामीटर लेते हैं, जबकि फाइन सीरीज में हम पिच को भी कंसीडर करते हैं। तो आपकी फाइन सीरीज में आपका M6 मल्टीप्लाइड बाई पिच, यानी 6 माइ नॉमिनल डायामीटर हो जाता है और 1 हो जाता है आपका पिच, ये मैंने कल बता दिया था। अब उसके बाद आता है मटेरियल्स एंड नॉमिनल मैन्युफैक्चर, ये भी कल मैंने डिस्कस कर दिए थे। उसके बाद बोल्टेड जॉइंट सिंपल एनालिसिस। हाँ तब ये जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब इसे ये दिया जाएगा। डिजाइन तो हो रहा है। बिल्कुल आएगा, आपसे बोलेगा कि डिजाइन द M16 सेट, तो आप डिजाइन करना होगा, ठीक है। ओके जब लास्ट में आंसर आएगा, सपोज करो ये आपका डायमीटर का आंसर आता है, तो आपको बताना होगा कि ये कौन सी कैटेगरी का है, कोर्स है कि या फाइन है, ठीक है। बहुत तो सारी चीजें आती हैं, तो अभी आपको ध्यान देते हुए चलना है कि सारी चीजें को माइंड में रखना है कि ये सारी चीजें होती हैं एक सेट के लिए, ठीक। तो आपके बोल्टेड ज्वाइंट में आपको बताया था मैंने कि एक तो डिजाइन थी आपकी किसकी, एक डिजाइन थी आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर, शियर यील्ड स्ट्रेंथ को लेकर, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, और दूसरी क्या थी यील्ड शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। एक क्या थी यील्ड टेंसाइल और एक क्या थी आपकी यील्ड शियर स्ट्रेंथ। दोनों शियर स्ट्रेंथ के बारे में मैंने बताया था, यहाँ पे इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सर बार बार डिस्कनेक्ट हो जाए। मेरा चल रहा है, तुम लोग नेट कनेक्ट हो गया क्या? आ गए हम लोग यहाँ पे फिर से। कल की जो बात थी बोल्टेड जॉइंट सिंपल एनालिसिस, एनालिसिस में हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि हम लोगों ने पहले कल क्या सीखा था। तो आपका जो सीखने वाला पार्ट था वो सबसे पहला पार्ट ये था कि आपकी ये जो स्ट्रेंथ थी, दिस वन स्ट्रेंथ, दिस स्ट्रेंथ इज बिलोंग्स टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ, किसके वजह से, टेंसाइल के वजह से। और इस टेंसाइल स्ट्रेंथ का ही यूज हम कहाँ पे कर रहे थे, सिग्मा वाई टी, सिग्मा टी में हम ये ले रहे थे कि हमारी जो अल्टीमेट लिमिट है, यानी ये आपकी गिवेन होगी, ठीक है। SYT जो होगा हमारा गिवेन होगा, दिस पार्ट इज गिवेन, यहाँ पे देखिए SYT गिवेन होता है, दैट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, सॉरी इन केस ऑफ यील्ड स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि तो हम डिजाइन करने जा रहे हैं यील्ड के बेसिस पे, तो यहाँ पे यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस होगी, और इसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आपकी जो यूज करने वाली स्ट्रेस वो आ जाएगी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमारा और भी स्ट्रेस कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हेलो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पी, पी मतलब आपका जो फोर्स लग रहा है वो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना फोर्स लगाना है या कितना फोर्स गिवन है, उसमें कितना। आवाज करके आ रही है। कट के आ रही है बेटा, आवाज तो मेरी सही आ रही है, तो बाकी लोगों को पता कर लो आवाज मेरी सही आ रही होगी, मेरी आवाज नहीं कट सकती, आप लोगों का नेट स्लो है बेटा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो पी है, दिस पी कैन बी कैलकुलेटेड, दिस पी कैन बी गिवेन, एक पी आपका जो है लोड वो आपका गिवेन भी हो सकता है और कैलकुलेट भी करना हो सकता है। उसके बाद आपका यहाँ पे एरिया, दिस इज पार्ट ऑफ एरिया जो आप यू कैन सी, ये आपका जो पार्ट है येलो कलर का जो पार्ट है, दैट इज एरिया, एंड दिस एरिया इज जनरली इन केस ऑफ द टेंसाइल, एंड दिस इज एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कौन सा एरिया कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी अगर आपके पास कोई, आपके पास इस तरीके से लेंथ में एरिया है, ठीक
ये बोल्ट नट आपका बोल्ट है, तो बोल्ट में आपका जो ये एरिया होगा दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया, या भी आप यहाँ पे कट करके देखोगे तो ये जो एरिया होगा ये क्रॉस का एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी की बात कर रहा है पाई बाई फोर डी सी स्क्वायर, एंड दिस डायामीटर इज टी सी यानी कोर डायामीटर, कोर डायामीटर पे ही काम करें। कल आपको बताया भी था कि कोर डायामीटर क्यों लेते हैं, क्योंकि आपका मटेरियल जो होगा वो फुल्ली एक्ट करेगा, ठीक है, तो ये इसलिए हम कोर डायामीटर लेते हैं। उसके बाद आपका बात आती है पेरीफेरल की, बात करते हैं पेरीफेरल में यानी सीयर स्ट्रेस की बात करते हैं। सीयर स्ट्रेस में आपका अभी ऊपर वाला टेंसाइल था, उसके बाद सीयर स्ट्रेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो सीयर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो जनरली यहाँ पे आपने जो देख रहे हैं यहाँ पे सीयर स्ट्रेस यील्ड सीयर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, यील्ड सीयर स्ट्रेस यहाँ पे ली है और यील्ड सीयर स्ट्रेस ही यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे पेरीफेरल। अब पेरीफेरल में क्या आ जाता है, पेरीफेरल में अगर हम बात करें तो पेरीफेरल में अगर ये आपका सैंक है और सैंक में आपका ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्योंकि हमने अभी ऊपर यूज किया था, तो आपका जो पेरीफेरल वाला होगा एरिया वो पेरीफेरल वाला आपका ये ग्रीन पार्ट में होगा यानी साइड वाला, ठीक है। दिस साइड एरिया इज जनरली नोन एज द पेरीफेरल एरिया, दिस एरिया इज नोन एज पेरीफेरल एरिया, ठीक है। इसी पेरीफेरल एरिया को भी हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे देखिए, और इस पेरीफेरल एरिया को कैसे निकालते हैं, टू पाई आर यानी आपकी जो ये होगी दैट इज कॉल्ड टू पाई आर, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। यहाँ पे जो आपका होगा दिस इज टू पाई आर, और इसमें अगर हम एच का मल्टीप्लाई कर दें, किसका मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एच का मल्टीप्लाई कर दें, इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से, अगर हम इस एच को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल आता है, पेरीफेरियल एरिया निकल आता है, ये वाला एरिया आपका यहाँ पे निकल आएगा इस तरीके से, यहाँ पे ये वाला एरिया आपका यहाँ पे निकल आएगा, आपको यही चाहिए, ठीक है। पहले वाले में क्या चाहिए था, पहले वाले में आपको रेड वाला पार्ट चाहिए था, ये रेड वाला पार्ट एरिया चाहिए था, और दूसरे वाले में आपको ग्रीन वाला एरिया चाहिए, तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए ग्रीन वाला एरिया आपको यहाँ पे लेना है क्योंकि पेरीफेरल की बात कर रहा है, सीयर की बात कर रहा है, और सीयर ऑलवेज इन द टेंजेंशियल ऑफ द सर्फेस, हमेशा किसके अबाउट होता है, टेंजेंशियल अबाउट द सर्फेस, इसलिए हमने पाई डी एच ले लिया, यानी पाई डी क्या हो गया आपका पेरीफेरी हो गया, ये जनरली पेरीफेरी क्या हो गया आपका पाई डी, दिस पार्ट हो गया, ये आपका पार्ट हो गया, दिस इज द पेरीफेरी यानी पाई डी, या टू पाई आर कह सकते हो या पाई डी कह सकते हो, और उसके बाद एच से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो क्या बन गया पाई डी एच, ये कम्प्लीटली एरिया बन गया साइड का, तो यहाँ पे आपने फार्मूला लेकर यहाँ पे इस तरीके से फार्मूला आपका आ गया, इसी को आपको यूज करना, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि जो एस वाई क्या कहते हैं एच है वो एच कैसे निकलता है, हाउ टू कैलकुलेट द एच इक्वेटिंग द इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी, क्योंकि P की वैल्यू तो दोनों में हमारी क्या है समान है, दोनों में इक्वल है, अब दोनों को इक्वेट करोगे तो H की वैल्यू निकल आएगी, H की वैल्यू कैसे आ रही है, H की वैल्यू आ रही है 0.5 dC, H की वैल्यू कैसे आ रही है 0.5 dC, एंड दिस इज अज्यूमिंग dC इज इक्वल टू 0.8 t, यानी कोर डाया जो होगा वो कितना होगा 0.8 ऑफ द नॉमिनल डायामीटर, नॉमिनल डायामीटर आ रही है आपका बताया था मैंने, इसको मैं यहाँ पे देखिए ये जो आपकी जो एरिया थी उसके बाद फिर हमने लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आपका ये इस तरीके से तो अगर हम इसको मिला दें इस तरीके से, इसको मिला दें इस तरीके से, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट से जो हमारी डीसी की बात कर रहा है वो डीसी आपका ये है, समझ लीजिए डीसी क्या है, ये डीसी है आपका, और जो डी है वो आपका क्या है, डी आपका यहाँ से लेकर टॉप टॉप फ्लोर तक है, यानी टॉप फ्लोर बोले टॉप पॉइंट तक है, यहाँ पे इस पॉइंट तक है, this point and from the this point,
इन दोनों के बीच की पॉइंट की जो लाइन मिलाएंगे दैट इज कॉल्ड बी सी, इसको हम यहाँ से मिला देंगे दैट इज कॉल्ड डी, एंड डी इज ग्रेटर देन द डी सी, सो दैट डी सी इज इक्वल टू 0.80। ये हमने अज्यूम किया, उसके बेसिस पे हमने एच की वैल्यू निकाल ली है कितनी, उसके बेसिस पे हमने एच की वैल्यू निकाल ली है एच इक्वल टू 0.4D, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने एच की वैल्यू निकाली 0.4D। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको सबके समझ में आएगा कि दो तरीके के हमने फार्मूला यूज किए हैं, एक तो फार्मूला यूज किया टेंसाइल के लिए और दूसरा यूज किया है हमने शियर के लिए, दोनों के बेसिस पे हमने एच की वैल्यू निकाली। Sometimes directly taken the h value like this, h equals to 0.5 d, or sometimes we calculated from the available shear stress and tensile stress. ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब उसके बाद है rewriting the height of the standard nut h equals to 0.8 d. अब यहाँ पे आपका 0.8 d कैसे होगा, h equals to 0.8 d, तो हमने यहाँ पे इसलिए लिया है एच की वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड नट के लिए 0.8 d होती है, तो यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि हेक्सागोनल यहाँ पे लिखा है आर, लिखा हुआ है द नट इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, द हाइट ऑफ द स्टैंडर्ड हेक्सागोनल नट इज 0.8 d। ठीक है, स्टैंडर्ड हेक्सागोनल नट जो होता है उसकी जो हाइट होती है वो कितनी स्टैंडर्ड होती है 0.8 d, लेकिन कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है 0.4 d, तो hence the thread of the bolt in the standard nut will not fail by shear, तो आपका shear में fail नहीं होगा जब हमने क्या कर लिया 0.8 ली, यानी h की value 0.8 d हमने ले ली है, इसलिए हमने अपना h जो है वो 0.8 d लेने ले लिया। ठीक है, तो नट की बात कर रहे हैं, तो नट कहाँ से आ जाता है, hexagonal nut की बात करें तो hexagonal nut कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखते हैं hexagonal nut कैसे बनता है, तो आपका hexagonal nut इसकी बात कर रहा है, ये आपका हेक्सागोनल नट का शेप हो गया ऊपर से देखने पर, और इसका जो सर्किल होगा वो बीचों बीच इस तरीके से हो जाएगा, और इसको हम अगर 3D में देखना चाहें तो 3D में आपका ये इस तरीके से नट होता है आपका। ठीक है, दिस इज द हेक्सागोनल नट आपका जनरली होता है। ठीक है, ये हेक्सागोनल नट है और आपको बोल रहा है कि h की वैल्यू 0.8 d के बराबर होगी, यानी जो आपकी h है, ये जो h है ये h किसके बराबर होगा, इस 0.8 d के बराबर, यानी नॉमिनल डायमीटर कितना है आपका, ये आपका d हो गया। ठीक है, तो h will be equal to 0.8 d, इस बात को सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? ये बात सबके समझ में आ गई? यस सर, यस सर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमने ये फाइंडिंग कर लिया था डीसी इक्वल टू 0.8 d, ये हमने फाइंडिंग कर लिया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं, वो देखते हैं, क्लियर कर देते हैं इसको डिजाइन को। एन इलेक्ट्रिक मोटर वेइंग 10 किलो न्यूटन इज लिफ्टेड बाय मींस ऑफ एन आई बोल्ट एज शोन इन द फिगर, द आई बोल्ट इज स्क्रूड इनटू द फ्रेम ऑफ द मोटर, आई बोल्ट जो है वो फ्रेम में स्क्रूड कर दिया जाता है मोटर में, दिस आई बोल्ट हैज कोर थ्रेड, यानी इसका नाम क्या है, कोर थ्रेड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है इसने, द आई बोल्ट हैज अ कोर थ्रेड, कोर थ्रेड में क्या होता है, पिच कंसीडर नहीं करते हैं, फोर सेट में यहाँ पे पिच कंसीडर नहीं करा, इट इज मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील 30C8 जो आपको बताया था SYT, एंड टेंसाइल जो है वो हमारी कितनी है 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज सिक्स डिटरमाइन द साइज ऑफ बोल्ट, तो आपको यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दे रखा है और SYT भी दे रखी, तो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन था वो आपके पास क्या था, तो सिग्मा आपके पास था सिग्मा टी इज इक्वल टू SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी FS, यहाँ से कैलकुलेट करके आपके पास कितना आ जाता है, ये आपका फैक्टर ऑफ 400 दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है 400, और आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें डिवाइड कर दोगे 6 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी σyt की। ठीक है, तो उसके बाद आपका P जो था, P इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे साइंस यहाँ पे बात कर रहा है, इट इज मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील
और growing the bigger the I would exclude the PEVA motor. तो यहाँ पे आपका CL की बात नहीं कर रहा है, तो हम CL से नहीं जाते, हम directly tensile पे test tensile क्या कहते हैं tensile stress को देख के करेंगे, क्योंकि यहाँ tensile stress ही दी हुई है और जो factor of safety वो भी tensile के लिए दिया गया है, तो इसलिए CL stress वाला formula नहीं लगाएंगे. तो यहाँ पे हम बात करते हैं area divided by area multiplied by sigma t. तो area आपका pi by 4 और आपका जो डायामीटर है वो आपका DC, वही कैलकुलेट करना है जनरली. नॉमिनल डायामीटर यहाँ पे हम देखते हैं, सॉरी कोर डायामीटर लेते हैं. DC यहाँ पे कौन सा होता है, कोर डायामीटर होता है जो आपका मीडियम वाला है, ठीक है, सबसे मिनिमम वाला, यानी इस लाइन की बात करें ये वाला डायामीटर. ध्यान दीजिएगा मैंने जब भी ड्रॉ किया है इसको ध्यान दीजिएगा कि हमने मिनिमम वाला डायामीटर यहाँ पे सो किया, यही डीसी हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई आपकी जो ये पूरी की पूरी वैल्यू है उठा के आप पुट कर देंगे, तो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 6. अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पी की वैल्यू, आपको शायद गिवन है 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे आपकी पी की वैल्यू जो होगी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं पी की वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ. तो आपका यहाँ पे 15 जाएगा 10 किलोमीटर आ जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10 to power 3, ठीक है. तो यहाँ से आपके देखिए सिर्फ डीसी की वैल्यू है जो कि आपको कैलकुलेट करनी है, एंड डीसी विल बी कैलकुलेटेड इजीली. तो यहाँ पे देखिए आपका कैलकुलेट करके आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे पी गिवन सारी चीजें, उसके बाद हमने क्या किया ये सिग्मा टी की वैल्यू निकाल ली 500/6, उसके बाद हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया डीसी की वैल्यू आ गई 13.82, ठीक है. यहाँ पे कितना आ गया डीसी की वैल्यू 13.82 mm. और फिर हमें क्या निकालना है, नॉमिनल डायामीटर निकालना है. तो नॉमिनल डायामीटर के लिए फार्मूला बताया था मैंने, डीसी की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 0.8 d होती है. तो यहाँ पे नॉमिनल डायामीटर के पहले बताया था मैंने डीसी इज इक्वल टू 0.8 d, और यही फार्मूला यूज किया गया है. तो डी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगी, थोड़ी ज्यादा आएगी क्योंकि आप डीसी से 0.8 डिवाइड करने जा रहे हो, तो यहाँ पे 13.82 आया था, अब यहाँ पे 17.27 आ रहा है, और कितनी वैल्यू आ गई 18 आ गई है. तो यहाँ पे देखिए टेबल में आपका स्टैंडर्ड साइज बोर्ड का कितना है, यहाँ पे आप टेबल पे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, तो आपके टेबल पे जाएंगे, क्लियर कर दे रहा हूँ सारी ड्रॉइंग. यहाँ पे जब टेबल पे जाते हैं तो कोर्स साइज होते बोला है, तो कोर्स वाली टेबल में जाएंगे, इस टेबल को नहीं देखेंगे, फाइंड वाले को फोर्थ वाले में जाएंगे. तो यहाँ पे देखिए आपका 18 आ रहा है, 18 जब आ रहा है तो 18 यहाँ पे कोई नहीं है, 16 के बाद सीधे 20 है, तो कम वाला नहीं लेते हम, सीधे क्या ले लेते हैं 20 ज्यादा वाला ले लेते हैं. यहाँ पे हमने कम वाला कंसिडर कर दिया, कैंसिल कर दिया, और हम किसको लेंगे 20 वाले को कंसिडर कर लेंगे. तो आपका जो स्टैंडर्ड नट का साइज आएगा नॉर्मल आएगा तो कितना जाएगा M20, कितना जाएगा M20 का 20 M20 का सेट आ जाएगा. तो आपको M20 का ही सेट यूज करना है, ठीक है, इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक, सभी के समझ में आया क्वेश्चन ये? यस सर. ठीक है, आई थिंक इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक, अब हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 7.2. सभी लोग क्वेश्चन नोट करें और आगे फिर सोल्यूशन आपको बताया जाएगा. नोट करिए क्वेश्चन और सॉल्व करिए. दस मिनट बचे हैं, क्वेश्चन नोट करिए, सॉल्व करिए. नोट हो गया सभी का क्वेश्चन?
कर रहे सर। करिए सारा फिगर के साथ कंसीडर करिए, आपको डिटरमाइन द साइज ऑफ द बोल्ट करना है। इफ 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 के बाद से बताएंगे क्या लिखा हुआ है। ये जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं ना आप लोग को TME 603 के, इसके जितने भी एग्जांपल है सारे लगा डालिएगा, और जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, जो मैं करा रहा हूँ सुना ही रहा हूँ, एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जांपल कर लोगे तो समझ लो एक्सरसाइज आसानी से हो जाती है, और ये बहुत सिंपल होता है, एकदम आसान तरीके से देखो सॉल्व कराया गया है, ठीक है, नथिंग रॉकेट साइंस नहीं है कोई, खाली क्वेश्चन देख के बहुत पैसा लग जाता है आपको कि हाँ ये इतना अच्छा फिगर है, इतना अच्छा फिगर है, इसमें नहीं हो पाएगा, ये बहुत अच्छा है। एग्जाम में क्या इस टाइप का? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। CT1 में तो दिए ही थे मैंने, आपके मिड टर्म में दिए थे क्वेश्चन मैंने इसी तरीके के दिए थे, लेकिन अब वो हुए नहीं, तो एंड टर्म में मिड टर्म हुए ही नहीं सर। हाँ मिड टर्म हुए नहीं, अब वो हुए नहीं, तो क्या कर सकते। अब एंड टर्म के लिए क्वेश्चन पेपर जो 3 दिए हैं उसमें क्वेश्चन रखे हैं मैंने, न्यूमेरिकल भी रखे हैं, अब हो सकता हो मेरा पेपर सेलेक्ट हो सकता है किसी बाहर का पेपर सेलेक्ट हो, देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस। सर एग्जाम कब से ही नहीं पता। अरे बेटा यही सॉल्व कर लो, यही एग्जाम है तुम्हारा, क्या करोगे एग्जाम देके, तो ये बताओ इंसान की जीवन कर गालोगे तुम। नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस सर। हाँ ठीक है, यहाँ पे यस सर, यहाँ पे एक की बात करता है। इफ p इज इक्वल टू 5 किलोमीटर दे रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं दूसरी स्क्रीन, स्क्रीन उसके न्यू शेयर, न्यू शेयर, न्यू शेयर, और इसकी सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई दे रहा तो जो एक्चुअली में इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दिखाई दे रहा होगा। नो नो सर, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं सर। यस सर, आ गया ना, ठीक है। यस यहाँ पे देखिए, एक्चुअली में सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि आपके सामने पी की वैल्यू गिवन है, जो गिवन होता है सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है कि किसी चीज को जो दिया हुआ है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो उसको आप नोट कर लो। तो सबसे पहले पी की वैल्यू गिवन है और शियर स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। ये टेंसाइल की वैल्यू गिवन है, देखिए ध्यान रखिएगा, ये रेड कलर से मैं कर रहा हूँ, दैट इज फॉर टेंसाइल, ठीक है। किसके लिए है? टेंसाइल के लिए, ठीक है। दिस इज फॉर टेंसाइल एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे SYT दिया हुआ है, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ दी हुई है, और यहाँ पे क्या लिखा था बोल सकते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। द बोर्ड्स आर मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील एंड दिस दिस, यहाँ पे कुछ पता नहीं था लिखा हुआ था, इस द बोर्ड्स है मिसिंग हो गई है सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंसाइल, दिया है SYT की वैल्यू दी हुई है, SYT दिया हुआ है। अब इन्होंने SYT, अब यहाँ पे देखो SYT दिया हुआ है, यहाँ पे अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम टाउ निकालेंगे, वहां हमने सिग्मा टी निकाला था, यहाँ पे सिग्मा टी निकाला था, यहाँ पे टाउ निकालना है, ऐसा क्यों कर रहे हैं कोई बता सकता है? बताइए बेटा, हेलो, ऐसा क्यों क्यों कर रहे हैं ये समझिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे
पहले वाले क्वेश्चन हाँ सर क्या यहाँ पे देखिए SYT दिया हुआ था टेंसाइल टेंसाइल के लिए पहले वाले में टेंसाइल दिया था पहले वाले में SYT टेंसाइल के लिए हमने दे रखा था टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी थी यहाँ पे भी टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी है लेकिन फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग किस चीज का शियर स्ट्रेस का वाई यही चीज पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे शियर स्ट्रेस का फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं हम क्यों यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे फार्मूला जो यूज हुआ क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे देखिए सिंपल सा फंडा है कि आपका जो इसमें लोड लगता है जब टूल वाले बोर्ड लगता है तो इस तरीके से लगता है आपका ठीक है रस्सियां कैसे बनेंगी इसमें ऐसे बनेंगी रस्सियां जबकि आपका जो इसमें क्या होगा तो ये बोर्ड में टेंसाइल लोड आ जाएगा इस तरीके से टेंसाइल लोड आ जाएगा इस तरीके से आपका टेंसाइल लोड आ जाएगा लेकिन जब यहाँ की बात करें तो पी हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है और पी हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है ध्यान रखिएगा तो ये क्या करेगा पहले वाले में पी इधर लग रहा है दूसरे वाले में नीचे वाली प्लेट में लग रहा है पी तो क्या होगा ये इसको सियर ऑफ करने की कोशिश करेगा नट जो होगा वो सियर ऑफ हो जाएगा अगर ये पी हमारा इस तरीके से लग रहा होता ध्यान रखिएगा अगर पी हमारा इस तरीके से लग रहा होता तो ये किसके लिए होगा टेंसाइल के लिए तो यहाँ जब पी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वन ये आपका जो डायग्राम है इस डायग्राम इस फॉर सीयर यहाँ पे अगर लोड लगाएंगे तो ये किसके लिए हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टाउ के लिए किसके लिए हो जाएगा दिस इज फॉर टाउ एंड दिस इज फॉर सिग्मा ठीक है दो तरीके के लोड है यहाँ पे लोड किस तरीके से लग रहा है टाउ वाला लोड लग रहा है समझ में आ रहा है यहाँ पे लोड किस तरीके से लग रहा है टाउ वाला इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे टाउ का फार्मूला लगाएंगे शियर स्ट्रेस वाला फार्मूला लगाएंगे हम आगे आते हैं अगेन नेक्स्ट यहाँ पे टाउ की अब टाउ के लिए सिग्मा एस वाई की वैल्यू पता नहीं है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपकी सिग्मा एस वाई की वैल्यू तो पता नहीं है तो आपके पास फार्मूला था फार्मूला क्या था कि एस एस वाई इज इक्वल टू यानी स्ट्रेस निकालने के लिए ये इसकी आधी हो जाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की आधी हो जाती है ठीक है जब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ की आधी हो जाती है तो हमने क्या निकाल लिया 200 निकाल लिया अब उसके बाद हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट था कि आपको शियर स्ट्रेस का फार्मूला लगाना था अब टाउ की वैल्यू आपकी आधी आ गई है अब उसके बाद दूसरा फार्मूला ये भी है नेक्स्ट आपका जो फार्मूला है ये देखिए शियर एरिया ऑफ टू बोर्ड के लिए आपका एरिया क्या आ जाएगा क्या जाएगा तो आपका शियर स्ट्रेस के लिए आपका एरिया ये आ गया ठीक है तो उसके बाद हमने पी के पार लगाया और टी की वैल्यू निकाल दी तो स्टैंडर्ड साइज आपका 9 था तो स्टैंडर्ड साइज आपका 10 है तो 10 हमने काफी यहाँ पे ये ध्यान देना था तो शियर एरिया ऑफ द टू बोर्ड शियर एरिया कितना हो जाएगा 5/4 डी स्क्वायर दो बोर्डों का एरिया यानी पहले वाले के लिए आपका जो एरिया आएगा ये आ जाएगा सॉरी पहले वाले के लिए आपका एरिया ये आ जाएगा इस तरीके से दो बोर्ड है तो दो बोर्ड का एरिया एक ये बोर्ड का एरिया आ जाएगा और एक बोर्ड का ये एरिया एक दो एरिया बन जाएंगे इसलिए 2 × π/4 × d² ये ध्यान दीजिए यहाँ पे dc नहीं लिया है यहाँ पे क्या लिया डी ले लिया कैपिटल टी ले लिया कैपिटल सॉरी कैपिटल डी बोल रहा हूँ डी ले लिया नॉमिनल डायामीटर डायरेक्टली ले लिया नॉमिनल डायामीटर यानी आपका जो डायामीटर होता है गोल डायामीटर होता है एक नॉमिनल होता है ठीक है कोर वाले में सारा मटेरियल होता है नॉमिनल डायामीटर में सारा मटेरियल नहीं होता है तो आपके जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नॉमिनल डायामीटर आपका यहाँ पे देखिए इस वोल्ट में ये आपका इस समय क्या दिया हुआ है